दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कंटेंट लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग इस कंटेंट पे काम करते हैं तो 100% आप लोग का जो चैनल है भाई बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी बंदे इस कंटेंट पे काम कर रहे हैं ना, वो भाई महीने के अच्छे खासे पैसे अर्न भी कर रहे हैं। उनका वीडियो, हर एक वीडियो वायरल हो रहा है, मिलियन में व्यूज जा रहा है। ये इतना ज्यादा पॉपुलर कंटेंट है जिस कंटेंट के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, इस कंटेंट में बस कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। है एक दो बंदे हैं लेकिन कंपटीशन नहीं है। जैसे कि हर एक कंटेंट पे कंपटीशन होता है, इस कंटेंट पे नहीं है। और इससे अच्छा सुनहरा मौका आप लोग को शायद ना मिले, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन नहीं है और व्यू ज्यादा आ रहा है। तो इससे ना क्या होगा कि आपका चैनल जो है बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। आखिर ये कंटेंट है कौन सा और आप लोग को क्रिएट कैसे करना है, फुल डिटेल में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो कंटेंट मैं बताने जा रहा हूं ये कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट है और नॉन कॉपीराइट वाला है। या ऐसा नहीं कि इस कंटेंट पर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो आपके चैनल पर स्ट्राइक आएगा या कोई क्लेम आएगा। बस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप 100% आप लोग को ये रियल कंटेंट है, कोई फेक कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप लोग को मैं फटाफट बता देता हूँ कि आखिर ये कंटेंट है कौन सा। दोस्तों आप लोग साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे एक चैनल है जो कि अकमल ट्यूब्स करके इस चैनल का नाम है और इनके जो सब्सक्राइबर है भाई 5,67,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं सिर्फ 639 वीडियो में। इनका जो चैनल है बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और जो इनका वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 10 मिलियन 9 मिलियन 8 मिलियन 8 मिलियन 6 मिलियन 4 मिलियन, मतलब दोस्तों हर एक वीडियो इनका वायरल भी हो रहा है। इतना ज़्यादा ये पॉपुलर कॉन्टेंट है, इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और सबसे प्लस पॉइंट तो ये है, इस कॉन्टेंट भाई कॉम्पिटिशन नहीं है, सिर्फ एक दो बंदे हैं काम करने वाले। और दोस्तों जब एक दो बंदे हैं काम करने वाले और जो कंटेंट मैं बता रहा हूं ये कंटेंट ये ट्रेंड में चल रहा है, तो 100% अगर आप लोग इस कंटेंट पे काम करते हैं ना, तो 100% आप लोग का जो चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। आखिर ये कंटेंट कौन सा, मैं एक वीडियो प्ले करके यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब दोस्तों ये कंटेंट ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग को क्रिएट करने में। यहाँ पे एक दो कंटेंट और मैं दिखा देता हूँ, कोई भी इसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग ही कंटेंट है। ठीक है, इसी तरह से कंटेंट आप लोग को क्रिएट करना है। तो आखिर ये कंटेंट आप लोग को मिलेगा कहाँ पे, सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च वाले क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है स्टम्बल गाइज। ठीक है, इतना लिख कर आप लोग को सर्च कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं स्टम्बल गाइज, आप लोग को यही ऐप इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, क्योंकि जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा लंबा ना हो। और सबसे पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि इंस्टॉल करने के बाद जब आप लोग इस गेम को ओपन करेंगे ना, तो आप लोग को अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर जो है उसको ऑन कर लेना है। जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आप लोग को दिखा रहा हूं, उसी तरह से आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल का ऑन कर लेना और उसके बाद इसको प्ले करना है। यहां पे मैं प्ले कर देता हूं। प्ले करने बाद ये जो गेम है ना, ये कुछ इस तरह से आइकन आप लोग को दिखाई देगा। और यहाँ पे भाई सबसे प्लस पॉइंट तो यही है, मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि एक ही ऐप से आप लोग को अदर अदर कॉन्टेंट देखने के लिए मिलेगा, एक कॉन्टेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुश्किल से 10 सेकंड तक लोडिंग लेगा, 5 से 10 सेकंड, किसी किसी का 2 सेकंड भी। यहाँ पे देख सकते हैं 5 सेकंड लगा है। यहाँ पे आप लोग को बैक जाना है, बैक जाना है यहाँ पे प्ले वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है और आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन करके ही रखना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है बस। आगे चल के मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग को एडिट भी करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं सभी कॉन्टेंट है भाई, ये अदर अदर कॉन्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोग को ये वाला गेम खेलने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप लोग का देख सकते हैं, यहाँ पे गोल है, ठीक है, यहाँ पे रनिंग हो रहा है। अब यहाँ पे इधर देख सकते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे भाग रहा है आपको भाई, इसी के अंदर ये जो पीछे हो रहा है इधर, यही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने आप समझ जाएंगे, यहाँ पे जब आएंगे इधर घूमते, ओ तेरी मैं गया, नीचे गया, अब फिर दोबारा यहाँ मौका मिलेगा। बड़ा मज़ा आता है गेम खेलने में भी। अब इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, ओ तेरी, फिर दोबारा नीचे गया, ठीक है। अब नीचे जाने के बाद देख सकते हैं फिर दोबारा मैं जाऊँगा, अब इधर जाता हूँ, अब इधर से मैं निकल देता हूँ, ओ अब इधर से मैं निकलूँगा, इधर इधर निकलता हूँ, इधर निकलता हूँ, फिर ओ तेरी, फिर दोबारा मैं नीचे आ गया। आने के बाद अब फिर दोबारा इधर जाना है, हैं देख सकते हैं यहाँ पे, फिर दोबारा इधर जाना है। इसी तरह से आप लोग को गेम को है जो खेल लेना है।
अब आप लोग को इसको करना है क्रिएट, मतलब करना है एडिटिंग। तो दोस्तों मैं आप लोग को एडिटिंग जो है वो काइन मास्टर के अंदर बताऊंगा। अगर आप लोग कोई अदर ऐप यूज करते होंगे तो उस पर भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों काइन मास्टर बहुत ज्यादा ईजी ऐप होता है, इसीलिए दोस्तों काइन मास्टर के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को ओपन करना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पे क्रिएट वाले क्लिक करना है, फिर क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को लॉन्ग वीडियो क्रिएट करना है। अगर लॉन्ग वीडियो नहीं क्रिएट करना शॉर्ट वीडियो पे 9x16 पे करिएगा, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को लॉन्ग वीडियो सजेस्ट करूंगा क्योंकि दोस्तों ये जो कंटेंट बहुत ज्यादा थोड़ा ट्रेंड वाला कंटेंट है, इसलिए लॉन्ग वीडियो आप लोग करिएगा मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक का। यहाँ पे 16:9 रेशियो पे आप लोग को चॉइस कर लेना, फिर क्रिएट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। दोस्तों वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक यूट्यूबर बनने के लिए, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को वीडियो वाला क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके जो गेम प्ले किए हैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप लोग को लास्ट पॉइंट पे जाएगा, तो आप लोग मैं यहाँ पे जो गेम खेला हूँ वही गेम आप लोग को एडिट करके बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ तक मैंने खेला है, यहाँ तक मैंने खेला है, ठीक है, यहाँ तक मैंने लास्ट तक खेला है। अब यहाँ पे आप लोग को रोक देना, रोक देना, कैंची जाना और ट्रिम राइट कर देना। अब दोस्तों आप लोग को फिर दोबारा इस तरह से स्क्रॉल करके देखना है कि आप लोग का जो वीडियो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से प्ले हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गो, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गो जब लिखेगा गो लिख दिया, ठीक है, यहीं पे आप लोग को रोक देना, रोकना ट्रिम लेफ्ट कर देना। अब दोस्तों ये वीडियो जो है 1:24 का मैंने गेम जो है वो प्ले करके खेला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉन्ग में थोड़ा मतलब सीधा में, इसको आप लोग को फुल साइज में करना पड़ेगा 16:9 रेशियो पे। तो आप लोग को फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, फिर दोबारा इस पर आना है और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं रोटेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक करना है और आप लोग को इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे इस पर करना है, ठीक है, इसी तरह आप लोग को कर लेना है। करने के बाद आप लोग को बैक जाना। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी एक कॉर्नर पे कटा हुआ है, तो हल्का सा आप लोग को जूम करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोग को बताया स्टार्टिंग में कि आप लोग को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्लेम आ सकता है। अगर आप लोग इसको रिव्यू नहीं करेंगे तो क्लेम 100% आपके चैनल पर आएगा, और यही आप लोग को मैं बताने वाला था, ठीक है, एक्स्ट्रा टिप्स। तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो पे क्लिक करना है और नीचे जाना है और पेन एंड जूम पे क्लिक करना है, इक्वल पे क्लिक करना है और इसको इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा जूम कर लेना है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखाई दे और आप लोग के चैनल पे कोई स्ट्राइक भी ना आए। ज़्यादा जूम नहीं करना है, यहाँ पे फुल साइज पे कर लेना है। करने बाद आप लोग को बैक जाना है, फिर बैक जाना है। अब यहाँ पे आप लोग को प्ले करना है एक बार, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो गेम है यहाँ से थोड़ा सा और मतलब सटीक में लाना है कि आप लोग का यहाँ पे गेम प्ले हो तो डायरेक्ट गो हो जाए। तो इसी पर रोक देना, फिर कैचेज जाना, यहाँ पे जाने पर ट्रिम लाइट कर और छोटा कर देना है। करें ये वीडियो पे क्लिक करना है फिर दोबारा और मिक्सर पे जाना है, मिक्सर पे जाना है 100 होगा, इसको 0 कर देना, इसको अनेबल कर देना, मतलब दोस्तों आप लोग को इसका साउंड जो है इसको म्यूट कर देना है, आप लोग को वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार प्ले कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बारी बारी से जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे पहले एक बारी देख लेना है कि आप लोग का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ है वो किस आकार से हुआ है, कि ताकि आप लोग को जब वॉइस ओवर करने का मौका मिले तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो कि आप लोग डायरेक्ट बोल दें, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो आज इसी वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने बाद यहाँ पे अलाउ कर देना है, फर्स्ट बारी अलाउ मांगेगा अगर आप लोग अपने ऐप से फर्स्ट बारी कर रहे होंगे तब। अब यहाँ पे आप लोग को स्टार्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जब आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो वॉइस ओवर है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार वॉइस ओवर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं भाई आराम से चलो यार, आराम से, वो भाई रुक जाओ यार, मारा पीटी नहीं करना, वो भाई मैं तो मर गया यार, पानी में गिर गया, फिर दोबारा यार साइड से चलते हैं, वो रुक जा ओ तेरी यार, फिर से मैं चला गया यार पानी, फिर दोबारा एक बार और इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, हाँ भाई इधर से ही चलेंगे, इधर से चलेंगे, ओ बच्चा बच्चा ओ बच गया ओ भाई फिर से आ गया, अब जाओ फिर से गया भाई, फिर दोबारा से यहाँ जाना पड़ेगा, अब जाओ यहाँ पे देखते हैं भाई, ओ चल जा फिर दोबारा डूब गया, अब मैं इधर से ही जाता हूँ भाई, जो पहले जा रहा था उधर से ही जाऊँगा, यहाँ पे अभी रुक जाऊँ क्योंकि भाई अभी हट जाएगा यहाँ पे, अभी ये अब मैं चलता हूँ, ओ भाई मैं तो आ गया अब यहाँ पे भाई इधर से जाना है, अभी रुक जाओ भाई आराम से चलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गिर जाना है ना, तो गिर जाएंगे फिर दोबारा स्टार्टिंग हो जाए, ओ भाई अभी नहीं ओ फिर से गिर गया यार, अब फिर दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ, यहाँ पे फिर दोबारा मैं जाता हूँ, जाने पर ओ भाई ओ इस बारी मैं पहुँच के दिखाऊंगा भाई, ये तो 100% पहुँच जाऊँगा यहाँ पे, ओ भाई पहुँच गया यार, मैं तो पहुँच गया यहाँ पे, स्विमिंग पूल में मजा आ जाएगा भाई, इतना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसमें झूलने में। आप लोग भी अगर झूलना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई या तो रॉकेट की तरह जा, ओ भाई टक्कर लग गई यार, टक्कर लग गई। इसी तरह से
आप लोग को वॉइस ओवर करना है, आप लोग को ज्यादा तामझाम नहीं है, बस इसी तरह से आप लोग को बोल देना है। बोले मान लेता हूं मेरा वॉइस ओवर 1 मिनट 9 सेकंड का हुआ है, अब यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, रोकने वीडियो वाले पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके कैचे पे जाता हूँ, ट्रिम राइट करता हूं, इक्वल कर दूंगा। जितना आप लोग का वॉइस ओवर होगा उतना ही आप लोग रखिएगा, एक्स्ट्रा पार्ट मत रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से वॉइस ओवर आपका होना स्टार्ट हुआ है, तो इस पर रोक देना, क्लिक करना है, फिर कैचिप जाना है, ट्रिम लेफ्ट कर देना है और इसको प्रेस करके इसको मिला देना है, फिर आप लोग को एंड पार्ट पे जाना है, एंड पार्ट पे जाना इतना बढ़ चुका है, फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, कैचिप जाना, ट्रिम राइट कर देना है, ये दोनों इक्वल हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोग वॉइस ओवर किया उस पर क्लिक करना है, फिर मिक्सर पर जाना है, 100 होगा इसको 200 कर देना, इसको अनेबल कर देना है, इससे दोस्तों आपका जो साउंड है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बार प्ले कर भाई आराम से, चलो यार आराम से, वो भाई रुक जाओ यार, मारपीट ही नहीं करना, वो भाई मैं तो मर गया यार, पानी गिर गया, फिर दोबारा यार साइड से चलते हैं, वो रुक जा रुक जा, ओ यार फिर से मैं चला गया, फिर दोबारा बड़े लोग जब आप लोग वाइज ऊपर की तरफ चले गए ना, बड़े लोग इधर से चले गए, ओ बच्चा बच्चा, ओ बच गया बच गया, अब भाई फिर से आ गया, पूरा हो चुका। अब आप लोग चाहते हैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करना वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे आईडियो क्लिक करना है, फिर दोबारा फोल्डर पे जाना और यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे कि यहाँ पे मैं कार्टून वाला तो कोई लिया नहीं हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, नॉन कॉपीराइट यही मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको नहीं, मैं एक और म्यूजिक है इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिर दोबारा यहाँ एंड पार्ट पे जाता हूँ, ठीक है, एंड पार्ट पे जाने के बाद इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद क्या करता हूँ, कैची जाना है, फिर ट्रिम राइट कर देना है, करने के बाद ये भी इक्वल हो चुका है, तीनों इक्वल होने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बीच से चला दूँ, देख सकते हैं आपका जो साउंड है वो थोड़ा सा स्लो है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है थोड़ा हाई है, तो आप लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक को स्लो करना पड़ेगा, फिर दोबारा इस पर क्लिक करना, मिक्सर पे जाना है, ये 100 होगा इसको पे, इसको क्या करना है 20 या 30 पे आप लोग को अराइव रख लेना है, 30 पे रख दिया। अब यहाँ पे एक बार मैं प्ले करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, अब आप लोग को इस पर कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा फिल्टर यूज करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे कोई भी एक फिल्टर ऐड कर लेना है, ताकि जो आपका भाई वीडियो है वो आपका बन जाए, मतलब आपका ये जो क्रिएट कर रहा है वीडियो इस पर कोई क्लेम ना है, थोड़ा फिल्टर आप लोग को यूज कर लेना है, आप लोग 100% फिल्टर को यूज जरूर करिएगा। अब यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोग ये 100 होगा इसको एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से 35-30 अपने वीडियो के अनुसार आप लोग रख लीजिएगा। अब आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड करिए 100%, इसी तरह से आप लोग करिएगा जिस तरह से मैं बताया हूँ, आप लोग वॉइस ओवर करिएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों वॉइस ओवर नहीं करेंगे तो एक वीडियो तो जो मेरा वीडियो भाई एक बंदा तो देखता नहीं है भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, और भाई सब लोग अगर वॉइस ओवर नहीं करेंगे तो भाई क्लेम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मिक्स कॉन्टेंट हो जाएगा, इसलिए दोस्तों अपना अपना वॉइस ओवर आप लोग करिएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव तरह करिएगा, ताकि कोई भी बंदा आपकी वीडियो को प्ले रहा है तो वो लास्ट तक वाच उसको करे। तो यहाँ पे आपका ये पूरा क्रिएट हो चुका है, अब आप लोग को यहाँ पे एरो वाले क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे भाई प्लस पॉइंट तो आप लोग को मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को 16 पे रख लेना फ्रेम रेट, अब यहाँ पे रेजुलेशन जो है 1080 पे रखना है, लेकिन दोस्तों ब्राइटनेस वो ज़्यादा हाई क्वालिटी का आप लोग को स्टार्टिंग में नहीं करना है, यहाँ पे भाई सॉन्ग नहीं है, आप उतने ज़्यादा पॉपुलर थोड़ी ना होंगे कि आपके वीडियो को भाई कोई भी ज़्यादा सर्चिंग करेगा, लोडिंग लेगा, वीडियो नेट स्लो चलेगा तो तब भी वो आपके वीडियो पर रुका रहेगा, नहीं रुकेगा, आपके वीडियो को स्किप कर देगा। यहाँ पे आप लोग को 10 के अंदर रखना है, ठीक है, यहाँ पे 10 के अंदर 8 और 10 के अंदर रखिए, वरना 9 पे भी रख सकते हैं आप लोग, 10 पे भी रख सकते हैं, लेकिन 10 के ऊपर मत जाइएगा, यहाँ पे 9.12 MPS पे मैंने रख दिया, रखने के बाद यहाँ पे सेव एज वीडियो का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना, ये आपका वीडियो सेव होने लगा। दोस्तों इसी तरह से आप लोग को वीडियो को क्रिएट करना है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।